चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, फ्रॉम बींग अ कैट एस्पिरेंट टू गेटिंग इन टू एन IIM, उसके बाद प्लेसमेंट मिलना, बट उसी कंपनी के थ्रू ऑफर लेटर रिवोक कर दिया जाना, एंड फाइनली एक ऐसी कंपनी में जॉब मिलना जो आउट ऑफ इंडिया है, वियतनाम में है, द बेटर पैकेज, बेटर रोल। इसी तरह मेरे लाइफ के पिछले कुछ साल बहुत अनप्रडिक्टेबल रहे हैं, मैंने जो चीज़ें प्लान की थी उससे काफ़ी अलग रही हैं, एंड कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहा है। बट इस बार फाइनली मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है। अगर आप लोगों को पता है कि मेरा होम टाउन पंजाब में एक फाजिल्का नाम की सिटी में, बट स्टिल वर्क फ्रॉम होम होने के बाद मैं घर से दूर नोएडा में अपने फ्रेंड्स के साथ एक फ्लैट में रह रहा था। पिछले 6 महीने से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जॉब अच्छी चल रही थी, मुझे सीखने को भी मिल रहा था, ऑब्वियसली मैं पैसे भी अर्न कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट एक चीज़ मिसिंग लग रही थी रोज़, कि मैं अपने फ्रेंड्स को रोज़ ऑफिस जाते हुए देखता था, उनको इंटरेक्ट करते हुए देखता था, पार्टीज़ में जाते हुए देखता था, तो मुझे फील होता था कि यार कुछ तो मिसिंग है, काश मेरा भी ऑफिस यहाँ होता, मैं भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाता। तो इसी तरह एक दिन वर्क फ्रॉम होम में कर रहा था, पता नहीं किन्हीं ख्यालों में खो गया, मेरे दिमाग में चैप्टर चल रहे थे यार, कैसे मैं IIM से पहले बस यही सोचता था कि मुझे बस एक IIM मिल जाए, फिर IIM में सोचता था कि बस यार एक ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ मुझे 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपया मिल जाए, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इंटरनेशनल जॉब मिल जाए, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। सडनली मैं उठता हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है यार पिछले 6 महीने से तो लाइफ काफ़ी कॉन्स्टेंट चल रही है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। उसी दिन मैंने कुछ ऐसा प्लान करना स्टार्ट कर दिया जो मेरे लाइफ का आज तक का सबसे बड़ी चीज़ होने वाली थी। उसके अगले ही दिन मैंने अपना फ्लैट सब सामान अपने बैग में डाला, अपनी गाड़ी में डाला और वापस आ गया पंजाब। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया एंड मैंने फाइनल प्लानिंग स्टार्ट कर दी सबसे बड़ी चीज़ की, जो शायद मैंने कभी लाइफ में सोची भी नहीं थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट वीक से भाई मुझे ऑफिस वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, मुझे जाना है वियतनाम और वहाँ से ऑफिस करना है। तो बस फिर क्या था, विद स्नैप ऑफ फिंगर्स कुछ ही दिनों में आई वॉज सिटिंग इन द फ्लाइट। फ्लाइट में पूरा टाइम ट्रैवल करते हुए मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि यार शिट, मैं एक्चुअली फ़्लाइट में और मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी जो मैंने खुद से बुक की है एंड मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ डायरेक्ट इंडिया से बाहर। मतलब अगर मेरे आज से 5 साल पहले केशव को ये बात बताऊँ, 5 साल पहले छोड़ो मैं IIM में था तभी बताऊँ कि यार तेरी जॉब के पहले 6 महीने के बाद तू इंडिया से बाहर जा रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो, बट इवन मेरे पेरेंट्स भी कभी इंडिया से बाहर नहीं गए हैं, तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो इन्हीं ख्यालों के साथ, इन्हीं बहुत सारे ऐसे थॉट्स के साथ, एक बस, दो फ्लाइट्स एंड फाइनली एक कैब चेंज करने के बाद मैं पहुंच गया था वियतनाम। तो मैं वियतनाम पहुंच गया था संडे मॉर्निंग को एंड मेरे पास पूरा एक दिन था रेडी होने को। इस पूरे एक दिन में मैंने ज़रूरी काम किए जैसे कि मनी एक्सचेंज, नया सिम लेना, खाना पीना कुछ एंड ऑफिस की प्रेजेंटेशन रेडी करना। ये पूरे दिन मुझे ये एक्साइटमेंट नहीं थी कि मैं वियतनाम में हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी यार कि फाइनली मैं अपने लाइफ के फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस में जाऊँगा। ऑब्वियसली मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था बट ये फर्स्ट डे था कि मैं ऑफिस जाने वाला था एंड मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी और मेरी फैमिली भी इक्वली एक्साइटेड थे, इवन मुझसे ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। हम इंडियंस के दिलों में एक अलग ही फीलिंग होती है ऑफिस को लेकर, क्योंकि पूरी लाइफ ही इस दिन के लिए काम किया होता है। बस इसी एक्साइटमेंट के चलते रात को नींद मुझे बहुत लेट आती बट सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। यही शर्ट पहनी थी आई गेस मैंने उस दिन, यही शर्ट पहन के मैं रेडी हो जाता हूँ, कैजुअल कपड़े ही पहने थे मैंने। ग्रैब एक ऐप है वियतनाम में, वहाँ से कैब बुक करता हूँ एंड बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। जैसे ही मैं कैब में बैठा, मैं गलियाँ देखने लगा, मैं बिल्डिंग्स देखने लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शिट यार मैं तो दूसरी कंट्री में हूँ, सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं, हम राइट साइड पे चल रहे हैं, वहाँ की कैब्स अलग हैं। बट फाइनली मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ। सबसे पहली गड़बड़ यहीं पे हो जाती है, वहाँ का ड्राइवर ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वियतनाम के नोट अलग होते हैं ना, वहाँ पे 1,00,000 का, 5,00,000 के नोट, 10,000 का नोट, इस तरह होते हैं, वहाँ का ड्राइवर ही कंफ्यूज हो जाता है, मुझे बल्कि ज़्यादा पैसे दे रहा था। तो वहाँ मैं बोलता हूँ कि भैया आपने मेरे को ज़्यादा पैसे दे दिए। तो जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ अलग ही फीलिंग आती थी, मैंने तब उस टाइम कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सब फील करना चाहता था। तो मैं अपने मैनेजर से मिलता हूँ, अपने HR से मिलता हूँ, अपनी टीम से मिलता हूँ, अपने इंटर्न से मिलता हूँ, सबसे मिलके ऐसी अलग ही फीलिंग आती है क्योंकि अब तक 6 महीने में उनको ऑनलाइन में देख रहा था। तो मैं अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स हैं अलग अलग टीम्स के, मार्केटिंग के, सेल्स के, HR के। तो मैं एक्चुअली सेल्स वाले टेबल पे बैठता हूँ क्योंकि मार्केटिंग वाले टेबल पे आज जगह नहीं थी, सब लोग आए थे। एंड कुछ ही देर के बाद भाई मुझे कंपनी से मिलते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स। ये गिफ्ट्स वैसे मैं लंच टाइम में खोल के देख लेता हूँ, इसमें टी शर्ट्स थी, कैप थी, मेरे लिए स्पेशल वियतनामी स्नैक्स थे क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन स्नैक्स थे एंड मुझे मेरे टीम मेंबर्स बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो भाई मैं नेक्स्ट लेवल ही खुशी में था। चाहे एक इंटरनेशनल जॉब हो या फिर इंडिया में जॉब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है प्रोफाइल एंड CV। एंड स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड आपके CV में एक चीज़ बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, वो है सर्टिफिकेशंस। एंड क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ एंड जब मैं IIM में था, मुझे सर्टिफिकेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट था। क्योंकि क्या होता है, सर्टिफिकेशंस में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि सर्टिफिकेशन के साथ हमें
अच्छी नॉलेज मिले एंड हमें अच्छी स्किल्स मिले, तभी मुझे मिलता है एक प्लेटफॉर्म Engage7x। यहाँ से मैंने मल्टीपल सर्टिफिकेशंस किया था, ब्लॉकचेन का, ब्रांड मार्केटिंग का, एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग का। एंड मुझे पर्सनली तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। द फर्स्ट इज़ कि यहाँ के जो मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो टॉप कंपनीज में थे ऑलरेडी। सेकंड इज़ जो स्टडी मटेरियल था बहुत ही अच्छा था, वो बेसिकली HBR केस स्टडीज थी, जिनको बोलते हैं हार्वर्ड बिजनेस केस स्टडीज, जो बेसिकली हमें IIMs में भी मिलती हैं। एंड द थर्ड इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच, उसमें हमें पहले पढ़ाते थे एंड उसके बाद हमें एक होमवर्क सबमिट करना होता था जिसके बाद ही हमें सर्टिफिकेशन मिलेगी। सो इफ़ यू आर समवन जिसको अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है, अच्छे सर्टिफिकेशन चाहिए की एक्चुअली वैल्यू, तो आप Engage7x को कंसीडर कर सकते हो। इसका लिंक एंड मोर इन्फो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं बहुत सारा काम करता हूँ एंड फिर आती है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लंच। भाई वियतनाम में आपको पता होगा सारी नॉनवेज चीज़ें मिलती हैं, बट लकीली मुझे मेरी टीममेट एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बताती है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। जिससे मैं वॉक करके जाता हूँ भाई, वहाँ का रास्ता मतलब जिस जगह में था, मुझे पता चलता है कि हो ची मिन्ह सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉश एरिया है एंड यहाँ पे सभी ऑफिसेज हैं। मैं चल के जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से वेदर इतना अच्छा हो रहा है। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं कुछ वियतनामीज ट्राई करता हूँ, बाद में पता चलता है कि एक्चुअली थाई फूड था, बट मैं वियतनामीज फूड की तरह खाता हूँ उसको और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अगेन ऑफिस में आता हूँ और मुझे एक और अच्छी चीज़ पता चलती है कि हमारे ऑफिस के नीचे ना एक जैसे स्टारबक्स जैसा ना, स्टारबक्स के सिमिलर ही एक कॉफी चेन थी, मुझे पता चलता है हमारी ऑफिस की है एंड हर रोज हम दो फ्री ड्रिंक्स अवेल कर सकते हैं भाई। तो गेस व्हाट, मैं हर रोज वो दो फ्री ड्रिंक्स पीता ही पीता हूँ। मुझे एक चीज रियलाइज हुई यार, ऑफिस में ना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे एक अलग ही एनवायरमेंट मिल रहा था, अलग ही फीलिंग आ रही थी। एनीवेज इसके बाद वियतनाम एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे लोग 4-5-6 बजे अपने लैपटॉप्स बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वर्क कल्चर बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। उसके बाद मैं पैदल निकल जाता हूँ आसपास एक्सप्लोर करने, मुझे बहुत प्यारा सा पार्क मिलता है, इतनी अच्छी बीच में से रिवर जा रही है। तो यहाँ मैं फाइनली बैठता हूँ यार, रियलाइज करता हूँ कि भाई मैं वियतनाम में हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार कि क्या आई एम मेरे लिए वर्थ इट थे। तब मुझे रियलाइज़ होता है यार कि डेफिनेटली आई एम मेरे लिए बहुत वर्थ इट थी, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई यार, आई एम ने जॉब तो मुझे दी नहीं, आई एम ने मुझे क्या दिया, आई एम ने मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज दी, आई एम ने मुझे बहुत कुछ ऐसी स्किल्स दी हैं शायद मैं आई एम के बिना लाइफ में सीखता तो मुझे कुछ 5-10 साल लग जाते, जैसे कॉन्फिडेंस, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जैसे कि कम्युनिकेशन। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करता हूँ कि यार IIMs मैंने बहुत कुछ सीखा। ये जो मुझ में अब कॉन्फिडेंस है, ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अब जो मुझे टेक्निक्स पता है, मुझे पता है रिसर्च कैसे करना है, मुझे पता है टेक्निकल नॉलेज कैसे, ये चीज़ों की वजह से मुझे जॉब मिली है। मैं हाँ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, अगर मैं IIM से मैंने MBA ना किया होता और वो 2 साल मैंने खुद से भी सेम मेहनत की होती, सेम चीज़ें सीखता, मैं वर्क एक्स भी लेता, तो मैं ऐसी जॉब ले सकता था। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मुझे शायद सैलरी कम मिलती, शायद लोकेशन अलग होती, बट सिमिलर जॉब्स मिल सकती हैं IIMs के बिना भी। मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगती है, बहुत कंसिस्टेंसी लगती है, जो कि जनरली हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, बट IIM में जाके हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि IIMs आर वर्थ इट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरी तरह स्मॉल टाउन से आते हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। IIM तुम्हें एक अलग ही बंदा बना देगी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो कि यार मैं तब क्या था एंड अब कितना चेंज हो गया हूँ, एंड ये पॉजिटिव चेंज है। तो ऑफिस के बाद अब टाइम था भाई वियतनाम के इस प्यारे से सिटी हो ची मिन्ह सिटी को एक्सप्लोर करने का। तो मैं निकल जाता हूँ सिटी एक्सप्लोर करने एंड फाइनली जब मैं डिनर करने जाता हूँ तो मैं अलग अलग जगहें देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो मुझे डिनर करना था इंडियन फूड का, मैं इंडियन फूड की तलाश में निकल जाता हूँ एक जगह पे, जहाँ मैं पहुँचता हूँ, जहाँ मैं हॉस्टल में रुका तो उसके बिल्कुल पास ही था, 500 मीटर की दूरी पर। मुझे पता चलता है कि भाई ये वॉकिंग स्ट्रीट है, वियतनाम की मोस्ट फेमस वॉकिंग स्ट्रीट मेरे हॉस्टल के बिल्कुल पास है, तो वहीं पे इंडियन रेस्टोरेंट है भाई। मैं जब देखता हूँ, एनीवेज वहाँ देख ही लो मुझे कितना मज़ा आया। तो यार यही था मेरा फर्स्ट डे एट ऑफिस। मैं वीडियो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने पास्ट केशव के लिए, अपने फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए ज़रूर से बनाना चाहता था, बताना चाहता था कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कुछ और व्लॉग्स भी शेयर करूं आपके साथ वियतनाम के, तो कमेंट करना एंड बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मैंने कुछ नया ट्राई किया। एंड यार फिर से मैं बोलूँगा कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, हो सकता है आपके लिए ना हो बट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है।
लेकिन अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं सब चीज़ें कर पाता हूँ, ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।